लाल सिंह चड्ढा का इंतजार खत्म हुआ। आमिर की फिल्म आज थिएटर्स में हुई रिलीज। ये है फिल्म का क्विक रिव्यू। जी हाँ, 11 अगस्त यानी कि आज के दिन लाल सिंह चड्ढा के थिएटर्स रिलीज के साथ ही कुछ सालों का इंतजार खत्म हो गया है। फिल्म रिलीज भी हो गई है और दर्शक सिनेमा हॉल में फिल्म को एंजॉय करने भी जा रहे हैं। अब ऐसे में लाल सिंह चड्ढा का इतना बज क्रिएट हुआ पड़ा था, बॉयकॉट की आंधी चली हुई थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर फिल्म है कैसी, इसकी कहानी कितनी दमदार है और आमिर खान जो कि 4 साल बाद कमबैक कर रहे हैं इस फिल्म में, तो उनकी एक्टिंग, अदायगी और चार्म सब कुछ फिल्म में कैसा है, देखिए और गौर से सुनिए। इन सभी सवालों का जवाब हमारी इस वीडियो में है। बस करना आपको इतना है कि इस 2.5 मिनट के रिव्यू को देख लेना है, फिर आपको सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाएगा। जी हाँ, पहले तो कहानी सुनिए। लाल सिंह चड्ढा की कहानी पंजाब के लड़के लाल सिंह चड्ढा की है, जो दिव्यांग है और बिना किसी के सहारे चल नहीं सकता है। फिल्म शुरू होती है ट्रेन के एक सफर से। इधर सफर शुरू होता है, उधर लाल सिंह की कहानी। लाल सिंह चड्ढा एक कंडीशन के साथ पैदा होता है, जिसकी वजह से उसकी समझ बाकी लोगों से थोड़ी अलग होती है। समझदारी की लिमिटेड हदों में रहकर गढ़े गए सामान्य से थोड़ा भी अलग होने पर जैसा कि अक्सर किया जाता है, वैसे ही लाल सिंह को भी अधिकतर लोग कमजोर मानकर चलते हैं। लेकिन लाल सिंह की मम्मी उसका लगातार हौसला बढ़ाती है कि वो दूसरों से कम नहीं है और वो हर काम कर सकता है जो दूसरे कर सकते हैं। उसके बाद लाल सिंह की मुलाकात रूपा यानी करीना से होती है और एक इंसिडेंट के बाद वो भागने लगता है। फिल्म के जरिए इंडियन हिस्ट्री के कई इंसिडेंट्स को दिखाया गया है, देश की आजादी हो, सिखों के खिलाफ हुई हिंसा हो, फिल्म बेहतर तरीके से इन घटनाओं को दिखाती है। फिल्म शुरू होने के पहले आधे घंटे के अंदर ही कम से कम 2 ऐसे मोमेंट हैं जिन पर थिएटर में खूब तालियां बजने वाली हैं। इनमें से एक शाहरुख खान का कैमियो है, जिसे देखकर सीटियों की बौछार और जमकर शोर मचने की गारंटी है। लेकिन फिल्म में शाहरुख खान और आमिर खान एक साथ कहीं भी नजर नहीं आते हैं, उनका एक भी सीन साथ में नहीं है, जो डिसअपॉइंटिंग है, जो फिल्म की कहानी को कमजोर भी करता है। हालांकि कई जगहों पर फिल्म को अदैत चंदन ने बेहतरीन करने के चक्कर में फिल्म को बोरिंग बना दिया है। जी हाँ, कई जगहों पर फिल्म बोरिंग भी हो जाती है। फिल्म लाल सिंह चड्ढा 1994 की हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल हिंदी रिमेक है, लेकिन फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि लाल सिंह चड्ढा इसकी ऑलमोस्ट कॉपी ही है। इसमें कुछ भी न्यू या क्रिएटिव करने की ज्यादा कोशिश नहीं की गई है। खैर, मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने अच्छी कोशिश की है, बट फिल्म हिंदुस्तान के हिसाब से अडॉप्ट नहीं हो पाई है। लाल सिंह चड्ढा को हमारी तरफ से 3 स्टार आउट ऑफ 5। आप बताइए आपको ये फिल्म कैसी लगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।